नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम टीम में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो लीग कवर करने वाले हैं, जे लीग में कवर करने वाला हूँ, और आपको यहाँ पे नगोया वर्सेस कसीवा रेसोल की जो यहाँ पे दोनों टीमों की यहाँ पे आपको टीम देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों टीमों के बारे में आज आपको मैं हेड टू हेड की टीम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हेड टू हेड और 3-4 मेंबर की टीम आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। प्लस यहाँ पे दोनों टीमों की जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, उन दोनों टीमों की बात आपको बताऊंगा कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमों की क्या परफॉर्मेंस रही है, और पॉइंट्स टेबल की अपडेट बताऊंगा, पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों की क्या परफॉर्मेंस रही है, और किस टीम को आज आपको फेवर करना चाहिए, ग्रैंड लीग में कौन सा कैप्टन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, या 4 मेंबर के लिए आपका कौन सा कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट हो सकता है, और ग्रैंड लीग में कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना चाहिए, इस मैच में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी लीग ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आप प्रॉफिट में रह सको, और इन दोनों टीमों की तरफ से बेस्ट गोल और असिस्ट स्कोरर प्लेयर भी आपको दूंगा ताकि आप एक बढ़िया टीम क्रिएट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा देखोगे ताकि आपसे लास्ट टाइम कोई भी अपडेट जानकारी मिस ना हो और आप एक अच्छी विनिंग कर पाओ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, तो अपडेट इस मैच में इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट आपको इस मैच में करना है लेस इन्वेस्ट करना है, और लेस इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको 2-3-4 मेंबर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, 2-3-4 मेंबर ज्वाइन कर लेना आप लोग, लेस इन्वेस्ट करना, और ज़्यादा हो सके तो आप लोग 3 मेंबर पर फोकस करना और सेम अमाउंट की इक्वल इन्वेस्ट करके लीग ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो मैच का डाटा है, जो आपके लिए मेन है, उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आइए वो जान लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक हमारे ड्रीम टीम टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ना मत भूलना, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप चेक करोगे इसका लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा और डायरेक्टली आप यहाँ से ज्वाइन हो जाना। मैं यहाँ पर आपको ऑल स्पोर्ट की टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर हैं अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे हमारी विनिंग आके चेकआउट कर सकते हो और आप भी एक अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। और जो आपको वीडियो में आज टीम देने वाला हूँ, ये जे लीग की जो टीम आपको देने वाला हूँ, उसमें अगर कोई भी प्लेयर मिस, अगर हमसे कोई भी प्लेयर मिस हो जाता है तो मैं आपको फाइनल अपडेट आपको यहीं पे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ना मत भूलना, फाइनल अपडेट के लिए अगर कोई चेंज नहीं होता तो आप वीडियो टीम से खेल सकते हो, उम्मीद है आप लोग जुड़ोगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैच की डिटेल पर आ चुका हूँ। अब मैं बिना बात किए आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो कम्प्लीट देखना, वीडियो कम्प्लीट अंडरस्टैंड करना ताकि आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके एक अच्छी विनिंग कर पाओ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब एक अच्छा डाटा कलेक्ट करोगे तो ही एक अच्छी विनिंग कर पाओगे। तो बात करूं तो दोस्तों, जैसा कि बात कर लेता हूं, ठीक है, मैच की डिटेल है। जे लीग का ये मैच खेला जाएगा NGY वर्सेस REY के बीच में। NGY नगोया के होम पे मैच है और होम का फुटबॉल में एडवांटेज रहता है, और 1 अगस्त को ये मैच खेला जाएगा 2:30 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैच की डिटेल आपको मैं कंप्लीट बता दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग बात कर लूँ तो पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग में 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जे लीग में, और नगोया 3rd प्लेस पे है, और जो यहाँ पे REY की टीम है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे REY की टीम यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 8वें पोजिशन पर है, तो काफ़ी बढ़िया पोजिशन पर है नगोया की टीम। 6 मैच खेला है, 4 मैच विन किया, 2 मैच ड्रॉ किया है और लॉस एक भी नहीं किया, और इनके रीसेंट 5 मैच का आपको अगर बता दूं ना, रीसेंट 5 5ों मैच इन्होंने विन किया है, मतलब लगातार 6 मैच अनबीटन रही है नगोया की टीम, और आज इनके होम पे मैच है तो आप कह सकते हो कि नगोया आज विन कर सकती है। और यहाँ पे REY की टीम 8वें पोजीशन पर है, 7 मैच इन्होंने खेला है, 4 मैच विन किया है, ड्रॉ नहीं कर पाए हैं लेकिन 3 मैच लॉस जरूर किया है, और ये अपने लगातार 2 मैच में अनबीटन रहे हैं, अनबीटन नहीं लगातार 2 मैच हारे हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले 3 मैचों में ये अनबीटन रहे थे। तो ये बात हो गई, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पॉइंट्स टेबल की अपडेट कैसी, क्या टीम की परफॉर्मेंस रही है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन दोनों टीमों के हिसाब से 7 मुकाबले हुए हैं। 7 मुकाबले में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 बार नगोया ने विन किया है, 2 बार यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1 बार यहाँ पे, ठीक है, 2 बार होम पे था तो 1-0 1-0 से विन किया था, 1 बार अवे था तो 1-0 से विन किया था, 3 बार नगोया ने विन किया है, 3 बार यहाँ पे रयान ने विन किया है, देख सकते हो REY, और 1 बार ये मैच जो है ड्रॉ रहा था। तो ये बात आप सोच सकते हो कि बोथ साइड से यहाँ पे गोल स्कोर देखने को मिल सकता है, कोई भी टीम क्लीन चिट नहीं रख पाएगी इस वाले मैच में। ठीक है,
तो ये बात होगा यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड आप लोग थोड़ा सा वीडियो पुश करके अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आप एक ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बना सको। यहाँ पे बात होगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, अगर बात बता दूँ तो नगोया एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में आपको नगोया की बात बता दूँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो नगोया की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पे देख सकते हो एम, यहाँ पे देख सकते हो नगोया की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपके सामने है और इसमें वाई यशोडा इनके डिफेंडर हैं, वाई यशोडा एक गोल किया है, उसके बाद एस इगानगाकी दो असिस्ट किया है, टी योनी मोटो एक गोल, मीटूस एक गोल, एच अबे ने दो गोल एक असिस्ट किया है, एन मईडा ने एक गोल एक असिस्ट और एम कनाजाकी ने दो असिस्ट किया है। तो इनको कुछ यहाँ पे मैंने आपको सात इंपॉर्टेंट प्लेयर बता दिए, सात इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो, नगोया की मैंने आपको बता दी। अब बता देता हूँ रेयान की पॉसिबल लाइनअप आप लोग मेरे स्क्रीन पर बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। इनके एक डिफेंडर है टी कोगा, एक असिस्ट किया है, एम मिहारा एक असिस्ट, उसके बाद के यूटा एक गोल चार असिस्ट, ए इसाका दो गोल तीन असिस्ट, एच नाकामा तीन गोल, एम उलुगना आठ गोल एक असिस्ट। तो इनके स्टार प्लेयर यही हैं। चलिए आपको बता देता हूँ ये जो मैंने आपको डाटा बताया दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड पॉइंट्स टेबल की अपडेट मैच की डिटेल यहाँ पे और पॉसिबल प्लेइंग 11, तो सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो टीम बनाया हुआ है देख लेते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब भी मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे उस वीडियो की अपडेट मिस ना हो। तो जो टीम आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं ये टीम यही रखा है, मैंने एच अबे को कैप्टन रखा है, उसके बाद एन मईडा को मैंने यहाँ पे वीसी रखा है। आप फोर मेंबर में क्या कर सकते हो, टीम सेम रख सकते हो, एम ओलुगना को कैप्टन रख देना, वाइस कैप्टन ए इसाका को रख देना या फिर यच नाकामा को रख देना, वाई कमिया को रख देना, ठीक है दोस्तों। किसी को भी रख सकते हो आप लोग, तीनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं इनकी साइड से और कैप्टन आप इनको बना सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एक मैच में तो इन्होंने 8-8 गोल भी मारे थे, मैं देखा है इन्होंने, और पेनाल्टी भी ले लेते हैं अपनी टीम की साइड से, ठीक है। और तो ये हो गया यहाँ पे मैंने कुछ आपको जानकारी दी। अगर लाइनअप में कोई चेंज हो जाए तो फाइनल टीम आपको मैं कहाँ प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ना मत भूलना, और लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।